वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कल दलित मुखंडों ने सभी ने मिलाकर वकील आसिफ खादरी पर आरोप किया कि एक दलित महिला पर अत्याचार, जुल्म, मेंटली टॉर्चर करते हैं। ऐसे वकीलों को इस जगह पे नहीं रहना चाहिए, ऐसे वकीलों को एनकाउंटर करना चाहिए, तड़ी पार करना चाहिए। ऐसा जितेंद्र कांबड़े एक वकील के खिलाफ, वकील खिलाफ सबके सामने बयान तो पत्रकारों के सामने दे दिए। आज सभी कांग्रेस के मुखंडों ने वहां पर एक जिलाधिकारी को मनवी दी गई ताकि वकील आसिफ खादरी गलत नहीं है, एक सही वकील है, एक सच्चे वकील है, प्रमाणिक वकील है। इनके इन्हों तो ऐसा नहीं कर सकते। सियासत राजकारणी इसमें साजिश है, ऐसा अब्दुल हमीद मुशरीफ और शकील सुतार ना जाने यहाँ पर कहीं कांग्रेस के मुखंडों ने ऐसा सोचकर समझकर ये ऐसा एक साजिश है। ये सभी मीडिया वालों के सामने दलित मुखंडों को साफ सीधा जवाब दे दिया। एक रिपोर्ट के लिए कि भाई ये एक वैयक्तिक झगड़ा है, ये उनकी आपस के दो घर के मामले के झगड़ा है। कुछ लोगों ने इसे जात पे और राजकीय के पर नाम के ऊपर इस झगड़े को बड़ा करने की कोशिश करे है। कोई शहर में इतने झगड़े होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई गड़ी पार करें या काम भेजें या इतना लंबा चौड़ा करें, इसकी ज़रूरत नहीं थी। कुछ लोगों ने अपनी राजकीय का लाभ के लिए इन्होंने एक राजकारणी को सामने रखते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं कि आप लोगों को मालूम है कि यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग एक दूसरे से भाई भाई का सौहार्द यहाँ रखते हैं। ये बीजापुर एक शांति का शहर है, यहाँ पे कोई जात पात की झगड़ा लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे हम एक दूसरे को समझकर काम करने वाले लोग यहाँ पे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अड़ियप्पा सालगढ़ यहाँ वाले नागराज लंबू, जितेंद्र साहब, ये सब मिलकर हर एक हम ये प्रोटेस्ट में जमा होते हैं, एक साथ मिलकर ये काम करते हैं। पर अफसोस ये हो रहा है कि आज कुछ लोगों की बात सुनते हुए इन्होंने एक ऐसी बात कही है जिसे हम सबको हमें नाराजगी लग रही है, क्योंकि कोई व्यक्तिगत झगड़े में किसी जात का या किसी राजकीय का नाम लेते हुए वो काम करने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने कर दिया। मैं जिला अधिकारी और SP साहब से गुजारिश करूँगा कि ये व्यक्तिगत झगड़ा है, व्यक्तिगत झगड़े को आपके कानून के चौकट के मुताबिक आपको जो करना है करें, वरना इस जगह से जो भी कुछ ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं ये कोई ऐसा आतंकवादी नहीं है जिसे गड़ी पार किया जाए, ऐसा कोई लफड़ा करने वाला नहीं, ये खुद वकील है। और एनकाउंटर करने की जब बात करी है तो बड़े खंडने की बात है, ये एनकाउंटर करने के लिए ऐसा कोई गुंडा या मोहाली आदमी नहीं है, ये खुद कानून को अपने आप में समझ कर दूसरों की रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है। तो ये अगर उसके दिल में चौरासी भी खोट होती, क्या वो बहन को लेकर अपनी गाड़ी में लेकर जाके पुलिस स्टेशन को पहुंचाते थे क्या? उन्होंने जिस तरह से अपना एक भाईचारे का जो काम किया है, जिस तरीके से उन लोगों को ले जाके वहाँ पे पुलिस स्टेशन तक छोड़ा है, ये तारीफ़ काबिल है। ऐसे लोगों के लिए एनकाउंटर करना, वो करना, बड़े हैं दुनिया के गुंडे, जहाँ पे मर्डर दर रोज हो रहे हैं उनको एनकाउंटर करने का कोई आज तक आपने स्टेटमेंट नहीं दिया, मगर एक अच्छे वकील के नाम पर स्टेटमेंट दे रहे हैं। We'll be right back.